मैं आपको गौतम बुद्ध नगर में तैनात सहायक श्रम आयुक्त शंकर के बारे में बताने जा रहा हूं और उनकी कारस्थानियों के बारे में बताने जा रहा हूं। श्रम कार्यालय नोएडा में शंकर का तांडव कि वे किस तरह कारखाना मालिकों एवं प्रतिष्ठान मालिकों का शोषण करते हैं। श्रम कार्यालय के नीचे बनी टाइपिंग की दुकान पर छप रहे हैं कोर्ट के आदेश। उन्होंने एक नियम बना रखा है कि कैसे अवैध श्रमिक प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी मिलीभगत से कारखाना मालिकों का शोषण करना है। मात्र 50 रुपए में छप रहा है सरकारी ऑर्डर। आप देखिएगा इस वीडियो में कि जो ऊपर से फाइलें आती हैं श्रम विभाग से, वो नीचे आती हैं टाइपिस्ट के पास में जिन्होंने टाइप की दुकानें खोल रखी हैं। श्रम कार्यालय के नीचे बनी टाइपिंग की दुकान पर बिना किसी रोक टोक के सरकारी केस की फाइलों को कुछ तथाकथित श्रमिक प्रतिनिधि ले जाकर मनमाने तरीके से आदेश टाइप कराते हैं, जिस पर संबंधित अधिकारी हस्ताक्षर कर देते हैं और एक पक्षीय ऑर्डर कारखाना और प्रतिष्ठान मालिकों को भेज दिया जाता है। इसके बाद तथाकथित श्रमिक प्रतिनिधि और कर्मचारी साठ गांठ करके कारखाना और प्रतिष्ठान मालिकों का उत्पीड़न करते हैं। आप ये सोचिए कि कोई भी सरकारी फाइल किसी भी विभाग से बाहर नहीं जा सकती है, लेकिन यहाँ पर सारी सरकारी फाइलें बाहर जाती हैं बेरोक टोक बिना किसी रिकॉर्ड के। कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप देखिए, और उसमें सारी फाइलें टाइप होती हैं बाहर, सारे ऑर्डर बाहर टाइप होते हैं। जब आदमी डेट पर जाता है तो फाइल नहीं मिलती है, फाइल गायब कर दी जाती है ताकि केस को एक पक्षी किया जा सके। एक्स पार्टी केस हो जाता है, फिर इसके बाद श्रमिक पक्ष और शंकर जी मिलकर मालिक कारखाना मालिक का या प्रतिष्ठान मालिक का शोषण करते हैं। जमकर इन्होंने यहाँ पर लूट मचा रखी है और पूरा हरेसमेंट ये कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम लोगों ने इनकी शिकायत भी करी है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले भी एसोसिएशन ने उपरोक्त सुधारों के लिए मौखिक और लिखित पत्र विभाग को दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फाइलें कार्यालय के बाहर तथाकथित श्रमिक प्रतिनिधियों के द्वारा ले जाकर किस विभागीय आदेश के तहत टाइप करवाई जाती हैं, इसके प्रति आज तक एसोसिएशन को उपलब्ध नहीं कराई गई। आप देखिएगा इस वीडियो में कि जो ऊपर से फाइलें आती हैं श्रम विभाग से, वो नीचे आती हैं टाइपिस्ट के पास में जिन्होंने टाइप की दुकानें खोल रखी हैं, और वहाँ पर आप देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कि कैसे चोरी से ये वीडियो बनाया गया है, और इसमें आप देखिए सरकारी फाइलें कैसे कंप्यूटर के नीचे साइड में आप देखिए रखी हुई हैं, और यहीं पर ही आप इनसे पूछा जाएगा तो ये बताएंगे कि हाँ, मैं आपको ऑर्डर भी टाइप कर दूंगा, 50 रुपए में आपको ऑर्डर टाइप होके मिल जाएगा। कार्यालय में अनाधिकृत अपंजीकृत तथाकथित श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधि गुंडागर्दी करते हैं और उनका ही वर्चस्व बना रहता है। कई बार शिकायत के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये देखा गया है कि वाद प्रत्यावलियों केसों की सुनवाई के दौरान गायब पाई जाती हैं। आप मुझे फिर फाइल दे दीजिए, मैं उसको देख लेता हूँ और उसके सबसे पहले मैं ड्राफ्ट तैयार कर लूँगा उसका पूरा प्रॉपर, फिर उसके बाद जो है ऊपर अधिकारी से चेक करवा लेंगे, तो उसमें जो कमी पेशी होगी फिर उसी के हिसाब से आगे जो है वर्क डाउन होगा, क्योंकि एक बार चेक करवाना बेटर रहेगा ना, क्योंकि उसमें एक ड्राफ्ट जब तैयार हो जाता है ना तो फिर उसी को बेस लेके आगे चलना पड़ेगा। कुछ ड्राफ्टिंग बीच में चेंज हो सकती है लेकिन उसका बेस तो फिर वही रहेगा ना, भाई केस नंबर हो गया, नाम हो गया, बीच की जो ड्राफ्टिंग्स है, अगर बीच में कुछ स्पेशल कमेंट्स अधिकारी ने ऐड करवाना है, क्योंकि कुछ कमेंट्स होते हैं ना जो अधिकारी जो है तर्क के समय करता है, वो उसमें रिटर्न्स में तो आते नहीं है लेकिन उसमें वो देना चाह रहा है, तो वो एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, तो वो आपकी क्योंकि सामूहिक निकाला हुआ तो लगभग सबके वही तर्क होंगे, ठीक है ना सर, तो फिर हम कर देंगे वो तो आप निश्चित। एक पक्षीय कार्रवाई के बाद सेवायोजक प्रतिनिधियों को अक्सर बताया भी नहीं जाता है। संबंधित अधिकारियों के सरकारी कार्यों में व्यस्त रहने या बाहर जाने पर जनरल तिथि लगाई तो जाती है,
लेकिन कुछ तथाकथित श्रमिक प्रतिनिधियों के द्वारा मनमाने तरीके से जनरल तिथि होने के बावजूद बिना सेवा संयोजक प्रतिनिधि की जानकारी के कोई दूसरी तिथि लगाकर केस को सेवा योजक पक्ष की अनुपस्थिति में एक पक्षीय करा लिया जाता है। इस पर रोक लगाई जानी बहुत जरूरी है। और फिर यही आदमी आप देखिए ऊपर जाके शंकर से किस तरह बात कर रहा है और शंकर क्या कह रहे हैं इनसे कि आपका तो काम ही श्रम विभाग की वजह से चल रहा है, यानी कि ये पूरी तरह से उनके दलाल है। सर 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 मानी हमने देखा सर, तो मैंने कहा सर सही लग रहे हैं, तो मैंने दुख देखा। भाई साहब ये बताइए, इनके तो बहुत ज्यादा हाई रेट है। इनके नहीं हमने बोला कि गाड़ी आधे कुछ हमें टाइपिंग का किसको मैंने साफ बोला है कि आपके नाम से आए हैं। मैंने नहीं सबको एक ही उसे सर मैंने बोला है शंकर के आदमी मात्र 50 रुपए में सरकारी ऑर्डर बनाकर दे रहे हैं। जब न्यायपालिका के जजों के फैसले कोर्ट के बाहर टाइप होंगे तो उद्योगपतियों के साथ न्याय कैसे होगा? तो इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब पानी बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है। और जो अनधिकृत श्रमिक प्रतिनिधि श्रम विभाग में घूमते रहते हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है और अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको मारने पर उतारू हो जाते हैं। कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस तरह से कारखाने और उद्योग जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर लाने की सोच रहे हैं, इस तरह से तो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इस भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से हटाकर कहीं भी भेजा जाए, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि और लोगों को सबक मिले और इस तरह के अधिकारी सबक लेकर जान सकें कि आज हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं। इससे पहले इस संबंध में प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चंद्रा से मिलकर लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप देखिए ये कैसे बता रहा है कि सारे फॉर्मेट हमारे कंप्यूटर में फीड हैं, आप 50 रुपए में ऑर्डर टाइप करा लीजिए। 20 रुपए नहीं सर, आप पहले वर्क दे दीजिए, मैं वर्क देके बता सकता हूं। वर्क क्या देखना, वो तो टाइप ही तो करना नहीं, नहीं, है आपके सर, पास सर, तो बने बनाए फॉर्मेट है, आपको नहीं, केवल उसमें भरना ना, है ना, ना, ना। एक दो पैराग्राफ चेंज करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन सर 20 रुपए या उसमें नहीं हो पाएगा। आप फाइल दे दीजिए, मैं एक ही फाइल में आपको बता दूंगा कि कितने पेज टाइप होंगे और कैसे होगा। और इसके अलावा ऑर्डर ही टाइप करना है सिर्फ उसमें। हाँ तो एक फाइल दे दीजिए, मैं खुद ही देख लूंगा कि उसका कितने पेज का ऑर्डर है। केस वर्क है उसका, कुछ डिजेंडर है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं तो वो करेंगे। सर वो 50 रुपये पर पेज लेते हैं लोग। 50 रुपये पर पेज। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को देखें और इसकी सच्चाई के आधार पर इस अधिकारी के खिलाफ अविलंब कार्रवाई करें ताकि और लोगों को सबक मिल सके।